नमस्कार दोस्तों, मैं दयाशंकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स हमारे सृष्टि या ब्रह्मांड शुरू होने से पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, या यूं कहें कि हमें पता नहीं था वो तब से एग्जिस्टेंस में है। सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस में या नॉलेज में तब आया जब थॉमस न्यूमैन और थॉमस सेवियर 1697 और 1712 में जब एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन का उन्होंने इन्वेंशन किया। हालांकि वो स्टीम इंजन काफ़ी इफ़िशियंट नहीं था, इसलिए उस पर काम नहीं हो सका, पर उसके द्वारा आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल गया। फिर तकरीबन 138 साल के बाद रैंकाइन, क्लाउसियस और कैल्विन के द्वारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दिया गया। पहली बार थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स का उपयोग कैल्विन के द्वारा 1850 के लगभग में किया गया था, और इस पे थर्मोडायनेमिक्स की बुक सबसे पहले रैंकाइन के द्वारा लिखी गई थी, वो भी तकरीबन 1850 के लगभग में ही। रैंकाइन उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर थे। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और देखिए, किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानने के लिए उसके इंडिविजुअल पार्टिकल के प्रॉपर्टी के बारे में हमको जानना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गैस के बारे में हमको जानना है तो गैस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में जानना हमको सबसे ज़रूरी होता है। जैसे कि वो पार्टिकल आपस में किस तरह से टकराते हैं, या उसके कंसर्न वाल से, जिस कंटेनर में रखा हो उसके वाल से किस तरह से टकराते हैं, उसके चलते प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, इसको स्टडी करने का दो तरीका है। एक तरीका है जिसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। अगर हम लोग किसी कंटेनर में रखा हुआ हर पार्टिकल के एवरेज को, यानी इस टकराव या हर पार्टिकल के बिहेवियर को, उस कंटेनर के पूरे एवरेज प्रॉपर्टी को कंसीडर करें और तब हम लोग प्रेशर अगर मेजर करें, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी कहते हैं। और उस वो थर्मोडायनेमिक्स का जो, उसको हम लोग जानते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। खासतौर से इंजीनियर्स के लिए यही ज़्यादा उपयोगी होता है। इंजीनियरिंग जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं हम लोग, यानी एवरेज बिहेवियर ले लेते हैं पूरे का। पर अगर हर पार्टिकल का छोटे छोटे ग्रुप्स के एवरेज बिहेवियर को हम अगर कंसिडर करेंगे, यानी और प्रिसाइसली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम चले जाएंगे, तो उसको हम लोग स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी उसमें हम लोग इन डेप्थ में हर पार्टिकल के एक छोटे छोटे ग्रुप्स को और उस ग्रुप्स के पूरे एवरेज को कंसिडर किया जाता है, यानी और प्रिसाइज स्टडी होता है, उसको हम लोग स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे आगे।